हेलो गाइस, मेरा नाम है साइकिरन, आप देख रहे हो मैंने गेमर। तो आज मैं वापस से खेलने जा रहा हूँ कार फॉर सेल। तो हम सबको पता है कि कार फॉर सेल में बहुत सारे ग्लिचेस है, तो आज मैं टॉप 10 ग्लिचेस ट्राई करने वाला हूँ। उनमें से कुछ ग्लिचेस अगर आप देखेंगे ना तो आपका होश उड़ जाएगा। तो आज उन्हीं में से कुछ ग्लिचेस आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, मेरा मतलब मैं ट्राई करने वाला हूँ। मेरे को भी नहीं पता कि ये वर्क करेंगे कि नहीं, तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, पहली ग्लिच को ट्राई करते। तो हम सबको पता है कि इधर से हम आगे नहीं जा सकते, एक बॉर्डर रह जाता है, देख सकते हो तुम लोग। मैं इधर जाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम लोग देख सकते हो इधर से मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। इधर तो एक इनविजिबल वॉल है जो हमको रोक रही है अंदर से जाने के लिए, देख सकते हो। मैं ट्राई तो कर रहा हूँ लेकिन मैं जा ही नहीं पा रहा, तुम लोग देख सकते हो। लेकिन मैं आज इसके अंदर जाने वाला हूँ, एक ग्लिच है, ट्राई करेंगे कि क्या ये वर्क करेगा कि नहीं। तो ये ग्लिच ट्राई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है ना, आपको जो ड्राइविंग सीट है ना वो उस तरफ होनी चाहिए, मतलब जैसे कि मेरा ड्राइविंग सीट है वो उस तरफ है। तो इस तरफ एकदम चिपक कर चलो और बस ई दबा दो। देखो मैं अभी ट्राई करने वाला, देखो अभी मैं ओके मैं आ गया, ओके मैं आ गया। भाई ये ग्लिच सच में चल रहा है भाई, मैं तो झूठ, ओ भाई इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर शायद पूरा वॉइड है। ओ भाई मैं तो सच में आ गया यार, ये ग्लिच मेरे को लगा कि ये मतलब ऐसे ही दिखा रहा है, लेकिन ये तो सच है भाई, मैं तो सच में इधर आ गया भाई। ये 100% वर्किंग ग्लिच है, तुम लोग देख सकते हो इधर कुछ फ्रेम जैसा मेरे को लग रहा है, कोई फ्रेम है बस और कुछ है ही नहीं। और इधर पूरा तो वॉइड ही है भाई, इधर कुछ टेक्सचर्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इधर वॉइड ही है। लगता है इसके बाद हम जा भी नहीं सकते, इधर कुछ है क्या एक बार देखूंगा। ओ भाई ये क्या हुआ भाई, लगता है मैंने वॉइड के अंदर गिर गया। ओ भाई ये क्या हो गया, मैं तो इधर वॉइड में गिर गया, लेकिन अभी मैं जाऊंगा कैसे, वापस कैसे जाऊंगा। ये देखो लगता है मैं नीचे गिर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, पूरे के पूरे एक फ्रेम जैसा कुछ है बस और कुछ है ही नहीं, कई तो वर्ल्ड है, मैं इधर गिर जा रहा हूँ ऐसा मेरे को फील हो रही है। मैं इधर मूव करने की कोशिश भी कर रहा हूँ लेकिन इधर मैं मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। भाई ये कहाँ आकर मैं फंस गया भाई, ये इंग्लिश ट्राई करते करते मैं खुद ही फंस गया। अभी क्या मैं गेम नहीं खेल सकता हूँ क्या, इससे बाहर कैसे आते यार, मेरे को तो पता ही नहीं इससे बाहर कैसे आते, मैं तो गलती से ट्राई कर दिया। तो गाइस मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे को पता है कैसे बाहर आना है, रिस्पॉन कर। ओके मैं रिस्पॉन हो चुका हूँ, लेकिन भाई मेरा निशान जीटर किधर है भाई, ये निशान जीटर से बिल्कुल भी मजाक मत करो यार, मैं तो भूल गया मैं किस तरफ गया यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और इधर वॉइड होना चाहिए ना, ये वॉइड किधर गया भाई, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो अपने गेम को रीसेट करने वाला हूँ भाई, निशान जीटीआर का बात है। ओके मैं वापस आ गया हूँ गाइस, मैं वापस लेकिन मैं आ तो गया हूँ लेकिन वापस मैं इसी वॉइड के अंदर आ गया हूँ यार, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मैं इधर से जा नहीं पा रहा हूँ यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, ये सच में मैं जा नहीं पा रहा हूँ, ये क्या हो गया, वापस मेरे को क्या करना पड़ेगा यार। देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ जाने के लिए लेकिन इधर से मैं रुक गया, देखो मैं जंप भी कर रहा हूँ भाई, ये इधर फंस गया मैं यार, मैं तो गलती कर दिया यार, एक ग्लिच को ट्राई कर यार, मैं तो गलती से इधर आ गया भाई, अभी मैं बाहर कैसे जाऊंगा यार, लगता है मेरे को वापस से रिस्पॉन करना पड़ेगा। ओके इसने रिस्पॉन कर तो दिया लेकिन वापस से इधर ही कर दिया यार, लेकिन मैंने अपने निशान जीटीआर को किधर छोड़ा, मेरे को तो याद नहीं है, मैं वापस से अपने गेम को रीसेट करने वाला हूँ। ओके मैंने अपने गेम को वापस रीसेट कर दिया, ओके एंटर भाई हो गया भाई, जैसे तैसे मैंने गाड़ी पे तो बैठ गया, तो वो ओके मैं इधर से बाहर भी आ सकता हूँ भाई, लेकिन ग्लिच ट्राई करते करते मैं खुद ही फंस गया था। तो गाइस अभी मैं एक और ग्लिच ट्राई करने वाला हूँ, ये ग्लिच क्या है ना, अभी मैं सिर्फ अपने कैरेक्टर को ही वॉइड में लेकर गया लेकिन अभी मैं गाड़ी के साथ वॉइड में जाने वाला हूँ, तो वो कैसे अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखो ये 100% काम करेगा कि नहीं वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अभी ट्राई करेंगे, पता तो चल जाएगा। तो अभी इधर से मेरे को सीधा जाना है, इधर एक रैंप आएगा, उधर से मेरे को जंप करना है। ओके चलो मैं आल्ट भी दबा दिया भाई, ये जंप नहीं किया यार, इतना बड़ा डैमेज हो गया, जंप भी नहीं किया और अपने गाड़ी भी उल्टी हो चुकी। ओके मेरा गाड़ी तो सीधा हो चुका है, इधर से मैं जा नहीं सकता, एक और बार ट्राई करूंगा, शायद मैंने ठीक से जंप नहीं मारा होगा यार, लेकिन इसकी वजह से मेरा गाड़ी डैमेज बहुत ज्यादा होने वाली है। खैर अभी वापस मैं ट्राई करूंगा, मेरे को ना एकदम जितना ज्यादा तेजी हो सकता है उतना ज्यादा तेजी में जाना पड़ेगा। ओके जंप करूं, ओ नहीं किया, इस बार मैं बहुत ही ज्यादा स्लो से किया, मैं एक और बार ट्राई करूंगा। ओके यार मेरा गाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है, चलो और एक बार ट्राई करते, आई थिंक मैं ठीक से जंप नहीं कर पा रहा हूँ। ओके मैंने ऑलमोस्ट, अरे
यार क्या हो गया यार, मैं तो एकदम बहुत ही अच्छे से स्पीड पे आया था लेकिन जंप ठीक से मैं नहीं कर पाया। मैं उस बॉर्डर को, मतलब वो जो इनविजिबल वॉल है ना, उसी को मैंने टोकर मार दिया। तो गाइस अभी मैं आखिरी बार ट्राई करने वाला हूँ, अगर इस बार ये काम नहीं किया ना तो समझ लो ये ग्लिच काम नहीं कर रहा। ओके ओके ओके, मैंने जंप मार, भाई भाई ये सच में हुआ। ओ भाई ये किधर आ गया भाई, मैं तो एकदम भाई क्या जंप मारा। ओहो भाई ये तो सच में वर्क कर रहा है ये ग्लिच तो, भाई सच में बोल रहा हूँ, मेरे को तो लगा ही नहीं था, ये फेक ही लगा। लेकिन तुम लोग देख सकते हो मेरा गाड़ी पूरा अटक चुका है और ये मूव भी नहीं कर पा रही, सीधा पूरा अटक गई है। और जो स्पीड है भाई क्या बढ़ रही है, एकदम क्या तेजी से बढ़ रही है, 1000 किलोमीटर चल रही है भाई, क्या स्पीड बढ़ रही है। तुम लोग देख सकते हो चारों तरफ क्या हो रहा है, मेरे को पता नहीं चल रहा ये क्या है। लेकिन गाइस अगर तुम लोग ये ग्लिच ट्राई कर रहे हो ना तो ई मत दबाना, मतलब जब तुम इस पोजीशन पे होगा ना तो ई मत दबाओ, क्योंकि अगर तुम ई दबाओगे ना तो जो हमारी गाड़ी है ना वो वॉइड के अंदर चल जाएगा और वो गाड़ी तुम्हें मिलेगा भी नहीं। मैं अगर उतर गया ना तो मेरा निशान जीटीआर गया, तो इसीलिए तुम लोग बस रिस्पॉन बटन दबा दो मेरे जैसे। ओ भाई 2000 किलोमीटर का स्पीड चला गया भाई, क्या चल रहा था, मैं तो वॉइड में गया भाई। ये ग्लिच कमाल का था, ये ग्लिच मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा, क्या कमाल का ग्लिच था भाई, बढ़िया बहुत बढ़िया ग्लिच था, मेरे को लगा ही नहीं था ये वर्क करेगा, लेकिन क्या कमाल का ग्लिच था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो गाइस अभी दूसरी ग्लिच की ओर जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि अपनी गाड़ी बहुत ज्यादा ठुक गई है, इसे सबसे पहले मैं रिपेयर कर लेता हूँ। अपनी प्यारी सी निशान जीटीआर को मैंने वाटी लगा दिया, चलो भी जल्दी से इसको रिपेयर करके एकदम बढ़िया बना देते हैं। तो भाई जल्दी से निशान जीटीआर को एकदम नया जैसा बना दो। कितना है इसका भाई? ओ भाई 30,000, बहुत ज्यादा ले रहे हो तुम लोग। तो गाइस अभी हम लोग एक और ग्लिच ट्राई करते हैं, तुम लोग देख सकते हो इसके बाद मैं नहीं जा पा रहा हूँ ना, इधर से तुम भी ट्राई कर सकते हो, इसके बाद तुम नहीं जा सकते हो, लेकिन मैं आज इसके पार भी जाने वाला हूँ, वो कैसे आप लोगों को दिखाऊंगा। देखो इधर मैं तुम लोगों को ट्राई कर कर भी दिखा देता हूँ, देखो मैं इधर जंप भी कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं नहीं जा पा रहा हूँ, है ना। देखो इधर से मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इधर से मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, तुम लोग देख सकते हो। तो अभी मेरा गाड़ी भी रिपेयर हो चुकी है, तुमको बस कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इधर आकर जंप कर देना है बस। अभी तुम लोग देख सकते हो मैं इधर आ चुका हूँ, देखो अभी तक मैं उधर जा नहीं पा रहा था, अभी मैं इधर आ चुका हूँ। इधर पता नहीं मतलब कुछ तो इनविजिबल वॉल है, अभी तुम लोग देख सकते हो मैं उस तरफ अभी जा नहीं पा रहा, मैं इधर फंस गया हूँ एक टाइप का, तुम लोग देख सकते हो। इधर देखो मैं इधर ट्राई कर रहा हूँ मैं उधर उस तरफ जाने का, लेकिन मैं इधर जा नहीं पा रहा हूँ, जंप भी मार रहा हूँ देख लो तुम लोग, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपनी गाड़ी को इधर ये सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन इधर एंटर नहीं कर सकता हूँ, इधर पता नहीं कुछ तो इनविजिबल वॉल है, उसी की वजह से शायद मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन ये सब कुछ इन गेम वालों को भी पता है कि भाई इस गेम में बहुत सारे ग्लिचेस है, अगर तुम ऐसे वैसे कुछ जगह पे अगर फंस गए तो तुमको पता है क्या करना है, सिंपली जाओ रिस्पॉन बटन दबा दो। तो गाइस अभी मैं वापस से स्पॉन हो चुका हूँ, लेकिन यार ये इतना दूर क्यों लेकर आकर स्पॉन करता है, पिछली बार में आई थिंक मैं इधर ही स्पॉन हुआ ना, हाँ मैंने पिछली बार भी, ये बार बार इधर ही क्यों स्पॉन करता है पता नहीं, चलो अभी जल्दी से जाते हैं। तो गाइस अभी चौथा ग्लिच ट्राई करते हैं, तुम लोग अभी देख सकते हो मैं इस जाली के उस पार नहीं जा पा रहा हूँ, ये मतलब जाली मेरे को रोक रही है, तो इसकी वजह से मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन मेरे को एक ट्रिक पता चला है, उसको यूज कर कर आप इसके अंदर से जा सकते हैं, मतलब इधर से ही जा सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक गाड़ी लेकर आना है। तो अपनी प्यारी से निशान जीटीआर को मैंने लेकर आ गया, बस तुम्हें थोड़ी बहुत चिपक कर रखना पड़ेगा, जैसे मैंने उधर किया ना, अभी तुम लोग देख सकते हो इसको भी मैंने पार कर दिया, ये देखो इधर भी मैं आ गया, मैं इसको मेटल्स भी बेच सकता हूँ। इधर गाड़ी होनी चाहिए ना, इसने गाड़ी निकाल दिया शायद, पता नहीं गाड़ी तो होनी चाहिए, क्या पता दिखी नहीं रही है। तो ये ग्लिच भी काम कर रही है, तुम लोग देख सकते हो। देखो गाइस ये ग्लिच उतना ज्यादा खास नहीं, लेकिन ये खास बन सकता है, अभी तुम लोग देख सकते हो इधर ऑक्शन चल रही है, इस ग्लिच को यूज कर कर हम ऑक्शन के अंदर भी जा सकते हैं। तो आज मैं अभी ये ट्राई करने वाला हूँ, तो देखते हैं, मेरे को बस चिपक कर रखना है इधर, मेरे को अभी तक मैंने इस ग्लिच को ट्राई नहीं किया, एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या हम उस पार जा सकते हैं। ओके ये क्या हुआ भाई, मेरे को दीवार के पार जाना था लेकिन ये इसने इधर ही रोक दिया, लगता है इन लोगों ने पहले से ही, इनको पता है इसलिए इन लोगों ने फैंस रख दिया। मैं इसके ऊपर जंप कर सकता हूँ क्या, मैं एक बार ट्राई करता हूँ इसके ऊपर जंप करने का, शायद मैं तब चला जाऊँ, हो सकता है क्योंकि इनविजिबल वॉल आधा तक ही होगा, उसके बाद नहीं हो सकता है, तो मैं जंप कर कर देखता हूँ। ओके अरे यार मैं जंप ही ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उधर से जंप नहीं कर पा रहा, इधर से ट्राई करूंगा। ओके मैं आई थिंक मैं इधर अटक चुका हूँ भाई, या फिर इधर मैं एक ट्रक लगा दूंगा ना तो शायद मैं जा सकता हूँ, अगर मैं ट्रक लगा दूंगा ना तो तब एकदम जंप अच्छे से मैं कर सकता हूँ और इसके ऊपर भी जा सकता हूँ, ये काम हो सकता है भाई, ये काम हो सकता है, ये हम कर सकते हैं। लेकिन यार मेरे पास ट्रक नहीं है, आज कार मार्केट भी ओपन नहीं है, अगर कार मार्केट ओपन होता ना तो मैं ट्रक खरीद लेता। तो गाइस ड्रैग रेस में एक ट्रक आई है, तुम लोग देख सकते हो, आई थिंक
देखेंगे दोनों में से कोई भी गाड़ी मेरे लिए काम हो सकती है। मेरे पास तो ट्रक होना पड़ेगा ना, मैं कार इस बेड लगाने के लिए, तो मेरे पास तो ट्रक नहीं है। तो गाइस अभी तो रात हो चुकी है, तो जल्दी से जाकर सो जाते हैं, फिर सुबह और भी कुछ ग्लिचेस है उसको भी ट्राई करेंगे। तो जल्दी से जाते हैं अपने प्यारी से घर के अंदर और जाकर एकदम आराम से सो जाते हैं। तो गाइस अभी मैं एक और ग्लिच को ट्राई करने वाला हूँ। तुम सब लोगों को पता है कि अपने घर में जो एक और कमरा है लेकिन उसके अंदर हम नहीं जा सकते, तुमको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो अभी तुम लोग देख सकते हो, ये जो कमरा है ना इसके अंदर हम एक्चुअल में नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसके अंदर जाने वाला हूँ। तो ट्राई करते क्या हम इसके अंदर से जा सकते हैं। तो अभी मैं ई बटन टाइप, ओके भाई, ओ भाई मैं तो सच में आ गया भाई। ओ ये मजेदार था, ये बहुत मजेदार था, ये सच में मजेदार था भाई। देखो मुझे नीचे कमेंट कर बताओ क्या ये ग्लिच के बारे में तुम लोगों को पहले से पता है कि नहीं। मेरे को तो ये ग्लिच के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, मैं बस ऐसे ही ट्राई किया था। इस ग्लिच के बारे में मेरे को नहीं पता, मैंने अभी अभी देखा हूं। मतलब मैंने बहुत बार ट्राई किया है इसके अंदर से जाने के लिए लेकिन मैं जा नहीं पाया। ये देखो एकदम, ये तो बढ़िया था। तो ये ग्लिच तो बहुत ही ज्यादा कमाल का था। क्या मैं इस रूम में भी जा सकता हूँ, एक और बार ट्राई करते हैं। तुम लोग देख सकते हो इधर एक और रूम है, क्या हम इस रूम में भी इस ट्रिक को यूज कर जा सकते हो? कि जा सकते हैं भाई, जा सकते हैं। ओ भाई ये ट्रिक मजेदार था, ये सच में मजेदार था। मैंने बहुत बार ट्राई किया यार इस, मतलब इस कमरे के अंदर जाने का, लेकिन मैं कभी जा ही नहीं पाया, मेरे को पता ही नहीं था। लेकिन अभी समझ में आ गया कि कैसे जाते हैं। तो अभी मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है, देखो हम अपने घर में तो अंदर ऐसे जा सकते हैं, क्या हम अपने पड़ोसी के घर में भी जा सकते हैं क्या? एक बार ट्राई करेंगे। तो देखो तुम लोग, मैंने पूरा चिपक के रख दिया है, अगर जा सकते हैं ना तो मजा ही आ जाएगा। एक ग्लिच एक बार ट्राई करने तो पड़ेगा ही। ओके तुम देख सकते हो इधर कमरा तो है, हमको दिख भी रहा है, क्या हम अंदर जा सकते हैं? तो अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ, ये दबा दी। ओके मैंने ठीक से नहीं किया होगा। ओके मैं एक और बार ट्राई करता हूँ, थोड़ी सी और ज्यादा ना चिपक कर रखना पड़ेगा शायद, तब ये शायद काम कर पाएगा। थोड़ी सी गैप है इधर, मैं एक और बार लगाऊंगा इसे, शायद उसी की वजह से मैं नहीं जा पाया। तो एक और बार ट्राई करते हैं, मेरे को अभी लग रहा है ये एकदम ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गैप तो रह जा रही है, इतना मतलब एकदम चिपक नहीं पा रही। ओके अभी तो एकदम बहुत ज्यादा गैप रह गया, एक और बार ट्राई करते हैं। तो अभी मैं जितना हो सकता उतना तक लेकर आ गया, अभी ये हो जाना चाहिए। ओके ये नहीं हो रहा है ना, पता नहीं कुछ तो वॉल है, शायद मैं उसके अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। तुम लोग देख सकते हो मैं ट्राई तो कर रहा हूँ लेकिन ये जा नहीं रहा है। तो गाइस मेरे को तो नहीं लगता कि मैं इसके अंदर जा पाऊंगा, तो कोई दूसरे घर पे ट्राई करते, शायद उस घर के अंदर हम जा सकते हैं। इस घर में मैं ट्राई करने वाला हूँ। ये क्या हो गया? ओके भाई गाड़ी चल क्यों नहीं रही है भाई, इतना सा टुखा है ना, ब्रेक डाउन हो गया क्या यार? लगता है फ्यूल खत्म हो चुकी है। हाँ इस गाड़ी का फ्यूल खत्म हो चुका है। तो अब गाइस मेरे को एक और ग्लिच याद आया है, तो अभी मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कि गाड़ी तो चल नहीं रही। देखो मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी चल नहीं रही है और तुम लोग देख सकते हो फ्यूल जो है ना पूरा खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ आप लोगों को, अगर आपका जब भी फ्यूल इस तरीके से खत्म हो जाता है ना, आपको सिंपली क्या करना है, अपने गेम को वापस रिस्टार्ट करना है, मतलब पूरा बंद नहीं करना है, मेन मेन्यू पे जाओ और वापस गेम को स्टार्ट कर दो। तो गाइस अभी मैंने अपने गेम को रिस्टार्ट कर चुका हूँ, तो अभी देखो अभी तुम लोग देख सकते हो मेरा फ्यूल भाई आधा भर चुका है भाई, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम लोग टाइम देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो, मैंने कुछ भी नहीं किया, किधर भी नहीं किया, कुछ भी एडिटिंग कुछ भी नहीं है। अभी तुम लोग देख सकते हो फ्यूल जो है 54% है, जो 0% था 54% हो चुकी है। ये ग्लिच तुम लोग भी यूज कर सकते हो, अगर आपका जब भी गाड़ी बंद हो जाएगा ना तब यूज कर लेना। तो अभी तो हम इस घर के अंदर जा सकते कि नहीं एक बार चेक करेंगे। देखो मेरे को कम से कम एक घर के अंदर तो जाना ही है, किसी के एक घर के अंदर। ओके यार इसके अंदर तो है यार, लेकिन मैं देख तो पा रहा हूँ लेकिन अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। तुम लोग देख सकते हो इसका जो हाइट है थोड़ी सी अप है, शायद इसी के वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। या फिर अगर हम बड़ा सा कुछ ट्रक है या फिर हम दो गाड़ी एक के ऊपर एक रख कर अगर ट्राई करेंगे तो शायद हम तब जा सकते हैं, पता नहीं। वैसे तो मेरे को ट्राई करने के बाद पता चलेगा। मतलब क्या है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो जो फ्लोर है ना उसकी वजह से वो रोक रहा है, इसी के वजह से हम नहीं जा पा रहे। अगर अपना हाइट मतलब दो गाड़ी एक के ऊपर एक रखकर अगर ट्राई करेंगे ना तो शायद ये हो सकता है, हम अंदर जा सकते हैं। लेकिन एक के ऊपर एक और गाड़ी रखना तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। मैं काफी समय से देख रहा हूँ कि नेबरहुड में कोई भी गाड़ी नहीं बेच रहा, ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है या फिर आप लोगों के साथ भी हो रहा है, मुझे नीचे कमेंट कर बताओ। बहुत समय से मैं देख रहा हूँ कि बहुत समय से मतलब एक भी गाड़ी बेच ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया।
तो गाइस अभी मैं एक और मजेदार ग्लिच लेकर आ चुका हूँ। अभी एक और ग्लिच ट्राई करेंगे। अभी तुम लोग देख सकते हो इधर रेड बार है, क्या हम इसके अंदर जा सकते हैं क्या? भाई इसके अंदर अगर जा गया ना तो मजा ही आ जाएगा। मैं एकदम सबसे पहले चिपक कर रख देता हूँ भाई इसके अंदर। प्लीज प्लीज इसके अंदर। ओके ओके भाई भाई मैं इसके अंदर आ गया भाई, मजा आ गया भाई इसके अंदर मैं आ गया। मैं बहुत भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच में बहुत समय से इसके अंदर जाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन फाइनली भाई आज इस ग्लिच की वजह से मैं इसके अंदर जा पाया। बहुत बार मैंने ट्राई किया इसके अंदर जाने का लेकिन मैं नहीं जा पाया। देखो तुम लोग, ये जो है ना रेड बार की जो डोर रहता है ना, वो वाली कमरा है जो हमेशा बंद रहता है, तुम लोग देख सकते हो उसके अंदर मैं आ चुका हूँ भाई। ये ग्लिच बहुत ही कमाल का है भाई, मेरे को तो ये ग्लिच बहुत ज्यादा पसंद आया। आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट कर बताओ, और अभी तक आपको कौन सा ग्लिच ज्यादा पसंद आया वो भी मुझे नीचे कमेंट कर बताना। तो क्या मैं इधर से भी जा सकता हूँ क्या इसके अंदर? ओके ओके भाई ये तो एकदम बढ़िया है यार, हम किधर से भी जा सकते हैं। इधर कार रखो बस, तुम एकदम आराम से इधर से आर पार जा सकते हो, ये बढ़िया है। इस मेरे पास कुछ मेटल्स है, इसको बेच देता हूँ। एक लिस्ट तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। एक मिनट, इधर तो कुछ लिखा है भाई, इधर तो 50% ऑफ भी है बर्गर मेनू। मेरे को तो लगा कि ये लोग सिर्फ बियर बेचते हैं, लेकिन अभी पता चला कि ये लोग बर्गर भी बेचते हैं और भी बहुत सारे चीजें हैं इधर ये लोग बेचते हैं। तो अभी इधर तक आ ही गया हूँ तो थोड़ी सी बियर ही खरीद लेते हैं। ओके भाई मैं इस डेस्क के अंदर से भी जा सकता हूँ भाई। ये क्या क्या ग्लिचेस है इस गेम में, इनके अंदर से तो मैं नहीं जा सकता हूँ लेकिन ये डेस्क के अंदर मैं जा सकता हूँ। ओके तो मैं यही कमरे के बारे में बात कर रहा था, इसी कमरे के आर पार में गया था। फ्यूचर के अपडेट्स में शायद ये रिवील होगा, लेकिन अभी तो उधर कुछ है नहीं, हमने तो देख लिया उधर कुछ भी है नहीं, सिर्फ एक कमरा था। इधर से तो हम नहीं जा सकते, हम उस ग्लिच को यूज कर ही जा सकते हैं। तुम लोग देख सकते हो मैं इस बुशेस के अंदर से भी जा पा रहा हूँ। ये पहले नहीं होता था लेकिन अभी तुम लोग देख सकते हो इस बुशेस के अंदर हम आर पार जा सकते हैं। पता नहीं अभी कुछ तो ग्लिच तो चल रहा है। अभी हम गाड़ी भी लेकर जा सकते हैं, ये देखो गाड़ी भी अंदर जा रही है भाई, गाड़ी भी अंदर जा रही है, देखो गाड़ी भी अंदर जा चुकी है भाई। मेरे को लग रहा है अगर हम ग्लिचेस ऐसे देखते रहेंगे ना तो इस गेम का जो भी ग्लिचेस है वो खत्म होंगे ही नहीं, एक के बाद एक सारे ग्लिचेस होते ही रहेंगे। तो गाइस अभी मैं वापस इस ग्लिच को ट्राई करने वाला हूँ, क्या इस घर के अंदर हम जा सकते हैं, क्योंकि ये घर इधर है ना, हो सकता है हम इस घर के अंदर जा सकते हैं। नेबरहुड में मैंने सारे घर चेक कर लिया, उसके अंदर तो हम नहीं जा सकते लेकिन ये बाहर है ना, शायद हम जा सकते हैं। ओके शायद इसके अंदर भी मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तुम लोग देख सकते हो मैंने दो तीन बार ट्राई कर लिया लेकिन इसके अंदर भी मैं नहीं जा पा रहा हूँ। मतलब हम अपने घर के अंदर तो जा सकते हैं लेकिन दूसरे के घर में हम नहीं जा सकते हैं। वैसे भी ऑलमोस्ट सारे घर सेम टू सेम ही रहते हैं, ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन हम ऑक्शन के अंदर इसके अंदर अगर जा सकते तो हम बड़े मजा आएगा। ओके मैं इसके अंदर आ गया, शायद मैं इधर से जा सकता हूँ भाई। मैं एक और बार ट्राई करने वाला हूँ, इधर से तो मैं नहीं जा पा रहा, मैं इधर से ट्राई करूंगा। अगर मैं इधर से गया तो आई थिंक मैं जा सकता हूँ, ट्राई करते हैं। थोड़ी बहुत चिपक कर रखेंगे, ये ग्लिच काम करेगा ना तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। थोड़ी सी मेरे को चिपक कर रखना पड़ेगा। ओके आई थिंक कुछ तो इनविजिबल वॉल है, थोड़ी सी रोक रही है मेरे को जाने से। इधर तुम लोग देख सकते हो मैं जा नहीं पा रहा हूँ। ओके इधर मैं शायद जा सकता हूँ, क्योंकि इधर जा सकते। ओके भाई नहीं जा सकते भाई, थोड़ी सी और एक बार ट्राई करता हूँ, थोड़ी सी और ज्यादा चिपक कर रखने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक जाना चाहिए। ओ नहीं यार नहीं हो रहा, लगता है कुछ तो रोक रही है, कोई तो इनविजिबल वॉल है। इधर मेरे को सब कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन मैं अंदर जा नहीं पा रहा हूँ। मेरे को नहीं लगता ये ग्लिच इधर काम करेगा। तो ये क्या है ना, मतलब हर जगह पे काम नहीं करता, कुछ जगह पे क्या है ना, आई थिंक इनविजिबल वॉल थोड़ी सी तगड़ा है, शायद ऐसा ही कुछ लग रहा है, इसीलिए वो नहीं हो रहा है। कुछ कुछ जगह पे तो हम जा सकते हैं। तो एक और ग्लिच अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ। देखो अभी तुम लोग देख सकते हो इधर से हम ऑक्शन के अंदर जा नहीं सकते, इधर तक ही जा सकते हैं। अगर तुम लोग गेम खेलोगे तुमको तो पता ही होगा हम इधर तक ही जा सकते, तुम जंप मार लो कुछ भी मार लो कुछ भी नहीं होने वाला, हम जा ही नहीं सकते। लेकिन तुम एक गाड़ी रखकर उसके ऊपर जंप करोगे ना तो तुम जा सकते हो। कि मैं नहीं जा पाया यार, शायद मेरे को अपनी गाड़ी को और थोड़ी सी अंदर रखना पड़ेगा। ओके अभी ये गाड़ी जितना जा सकता उधर तक मैंने रख दिया है, अभी ये जंप करना चाहिए। तो ट्राई करते हैं, 1 2 3 गो जंप। ओके ओके ये क्या हो गया भाई, ये अटक क्यों गया यार? ये ग्लिच शायद इधर काम नहीं कर रहा, मैं तो ऐसा ही बोल दिया, मेरे को लगा था ये काम करेगा, मैंने बस ट्राई किया तो ये ग्लिच तो काम कर नहीं रही है। लेकिन मेरे को एक और आइडिया आया, शायद ये काम कर सकती है। हमारा ये जो पुराना ग्लिच, इसी को ट्राई करते हैं। मैं अपनी गाड़ी को ना एकदम सेम उसी तरीके से चिपक के रखने वाला हूँ, शायद ओके ओके मैं आ तो चुका हूँ लेकिन इसके ऊपर मैं नहीं जा पा रहा हूँ।
जंप कर कर देखते हैं। ओके नहीं कर पा रहा हूँ, ओके 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 आ चुका हूँ भाई आ चुका हूँ। इस तरीके से आ सकते हैं, मतलब जंप नहीं हो रहा लेकिन इस तरीके से हम आ सकते हैं। मैं क्या इसके अंदर भी जा सकता हूँ क्या? ओके मैं इसके अंदर नहीं जा सकता हूँ यार, ये बेकार चीज है। मेरे को तो लगा कि हम अंदर भी जा सकते, तो अंदर तो हम नहीं जा सकते, सिंपली हम इधर ही रह सकते हैं। लेकिन अगर ऑक्शन होगा उस समय में हम गाड़ी को एंटर वगैरह कर सकते हैं, फिर गाड़ी को ले सकते हैं। शायद ये अगर काम करेगा ना तो बहुत ही मजेदार हो सकता है ना। मतलब तब हमको गाड़ी खरीदनी ही नहीं पड़ेगा, सिंपली तुम जाओ उस गाड़ी को, जो भी गाड़ी आ रहे है तुम उसके अंदर बैठ जाओ और उस गाड़ी को लेकर जाओ, भाई तुम्हारी है गाड़ी। फिर जो भी गाड़ी खरीदने के लिए आएंगे वो लोग तो शौक ही हो जाएंगे, भाई ये क्या हो रहा, भाई इसने तो चोरी कर लिया। ये तो एकदम GTA 5 वाली फीलिंग आ जाएगा। खैर अभी तो रात हो चुकी है तो जाकर मैं सो जाता हूँ। इधर देखो, इधर तो बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका है। इधर स्ट्रीट लाइट्स रखने चाहिए यार, ये लोग को स्ट्रीट लाइट्स तो रखते ही नहीं। अपने घर में तो एक लाइट इन लोगों ने रख दिया, लेकिन ये लोग स्ट्रीट लाइट्स रख ही सकते हैं। तो अभी मैं आ चुका अपने घर पे, एकदम शांति से सो जाता हूँ। तो गाइस आज तो ऑक्शन नहीं है, कार मार्केट ओपन है। अगर ऑक्शन होता ना तो मैं पक्का उस ग्लिच को ट्राई करता, लेकिन अभी ऑक्शन नहीं है तो मैं उस ग्लिच को ट्राई नहीं कर सकता हूँ। तो आज मैंने बहुत सारे ग्लिचेस को ट्राई किया, कुछ बहुत ही ज्यादा मजेदार था। मेरे को तो बहुत ज्यादा उस ग्लिचेस को ट्राई कर बहुत ही ज्यादा मजा आया। आपको सबसे ज्यादा कौन सा ग्लिच पसंद आया मुझे नीचे कमेंट कर बताओ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर पसंद आए तो लाइक और साथ में सब्सक्राइब करना भूलना मत।